हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग जीत में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो मेरा 3000 किलोमीटर ड्राइविंग का एक हिस्सा है, जो बनारस, इलाहाबाद, खाजुराहो, जबलपुर और पाँचमारी तक जाता है। अभी ये बनारस सीरीज चल रहा है और मध्य प्रदेश ट्रिप भी इसके बाद स्टार्ट होगा। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाए हैं कि आप अगर बनारस शहर में आते हैं तो जो कुछ चीज़, जो कुछ छोटा छोटा एक्सपीरियंस है, वो उसके बिना ये अधूरा रह जाएगा, उसको एहसास दिलाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, बनारस में आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर बनारस का पान का स्वाद लीजिएगा। हम लोग बनारस से जो बाहर रहते हैं वो तो बनारस का पान पत्ता जो होता है उसके बहुत शौकीन रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कैसे ये पान बनता है, कैसे ये टेस्ट रहता है, इसके लिए ज़रूर किसी भी अच्छा दुकान पे जाइए और उसका वहाँ पर स्वाद लीजिए। बनारस का जो पान होता है वो बहुत ठंडा होता है और जो पत्ता होता है वो जो महीन होता है और मुंह पे वो पिघल जाता है। वहाँ पर हम लोग खड़े हुए और बहुत अच्छे से बात किए हैं, कैसे वो बनाए हैं, कैसे वो बनता है, पत्ता लेके बनाते हैं, ये सब हम लोगों को अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा। पान का स्वाद लेने के बाद हम लोग रुक किए दूसरा दुकान पे, जो और एक जो चीज़ होता है वो रबड़ी, जो मिठाई होता है बनारस का, वो भी बहुत सुंदर है। वो भी आपको थोड़ी देर में ही आपको हम दिखाएंगे। वो भी हम लोग ढूंढ ढूंढ के मिठाई का स्वाद लिए हैं, रबड़ी के भी खाए हैं, रसगुल्ला वहाँ पर खाए हैं, जो जामुन, ब्लैक जामुन होता है, काला जामुन होता है, वो भी हम लोग खाए हैं। वो भी बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप अगर बनारस में घूमने के लिए आते हैं तो ये जो स्ट्रीट फूड है, ये छोटा छोटा जो एक्सपीरियंस है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। जैसे कि आप अभी देखने वाले हैं, हाँ ये देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग दुकान पे गए थे और सुंदर से घूमे हैं। रबड़ी जो खाने की, मिठाई खाने के बाद और एक चीज़ जो है उसके बिना बनारस अधूरा है, वो है बनारस का साड़ी। बनारस में आप आते हैं फैमिली लेके और एक दो साड़ी खरीद के नहीं जाएंगे तो ये तो आपके लिए ये ट्रिप अधूरा रह जाएगा। और बनारस के साड़ी जब आप खरीद के, यहाँ पर बनारसी साड़ी जो खरीद के ले जाते हैं, तो यहाँ से आप इस साड़ी नहीं, यहाँ का जो याद रहता है, ये जो इसका आपका जो एहसास रहता है, ये आप इसको संजो के ले जाते हैं। हम लोग भी थोड़ा एक दो साड़ी खरीदे हैं और बंगाली जो हम लोग बंगाली लोग होते हैं उसके लिए ये बनारसी साड़ी शादी के वक्त बहुत ही अहम एक पार्ट होता है। साड़ी खरीदने के बाद हम लोग बाज़ार में थोड़ा घूमें और इसके बाद हम लोग दोपहर को थोड़ा, शाम को थोड़ा टहले बाज़ार में और उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं दशा समेत घाट में आरती के लिए। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा या बुरा लगा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दशा समेत घाट में। गुड बाय।